हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बना रही हूँ आलू बैंगन की सब्जी, अलग स्टाइल की सब्जी। इसके लिए हमने लिए टमाटर, आलू बैंगन, लहसुन। इसको हम पहले ही प्रेशर कुकर में इसको उबालेंगे 2 सीटी कम से कम। इसमें आधा गिलास पानी डालें और कुकर बंद करके इसको 2 सीटी आने तक उबालेंगे। ये हो गया पहला सीटी और आ गया दूसरा सीटी। अब कढ़ाई में लेंगे तेल। तेल जब गरम हो जाएगा तो इसमें हम डाल देंगे जीरा। ये रही हमारी जीरा। जीरा जब तड़क जाए तो इसमें प्याज, मिर्ची और हरी मेथी डाल के इसको अच्छे से भूनना है। जब ये भून जाएगा तो इसमें बेसिक से मसाला डालना है, बस और कुछ नहीं। और ये हमारी उबली हुई सब्जी है, इसको अच्छे से मैश कर लेते हैं। जब हल्दी है, धनिया है और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाली हूँ मैं, क्योंकि हरी मिर्ची डाली थी तड़का में। और ये है 2-4 चम्मच दही। दही आलू बैंगन की सब्ज़ी में दही का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है, तो इसमें दही ज़रूर डालिएगा। और ये रही हमारी सब्जी आलू बैंगन। इसको हम डाल देंगे कढ़ाई में, इसको अच्छे से मैश कर लेंगे। माफ़ कीजिएगा, मैं कैमरा में ध्यान नहीं दे पाई और ये क्लिप आधा ही शूट हो गया है। अब इसको अच्छे से मैश कर लेंगे। और ये अच्छे से मैश होने के बाद इसमें हरी धनिया गार्निश कर दीजिए। ये देखिए, हरे धनिए से गार्निश करने के बाद कितना सुंदर दिख रहा है, कलर बहुत अच्छा आता है दही डालने से सब्ज़ी का। तो आप लोग भी बनाइए, ट्राई कीजिए घर में, खाने में बहुत अच्छा लगता है। देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय।